हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में, मतलब हमारे देश में नागरिकता कैसे मिलती है और हमें कैसे मिली है। तो आइए देखते हैं नागरिकता है क्या। नागरिकता, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है, राज्य के नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत में नागरिकता, भारत की जो नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं है, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड की सुविधा दी गई है। नागरिकता की चर्चा भाग दो में की गई है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 में बात की गई है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, मतलब जो भारत से पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आए हैं तो नहीं मिलेगी। मतलब संविधान बनने के पहले आ गए हैं, 26 जनवरी 1950 से पहले आ गए हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके बाद आए हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि स्वतंत्रता जब हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब क्या हुआ, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वो वापस पाकिस्तान से भारत लौट आए कब तरने, संविधान बनने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले, तो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 में बताया कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 में बताया गया कि विदेश में भ्रमण यानी घूमने करने जाए या वहां नौकरी करने जाए तो वहां भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी आप किसी विदेश में कहीं की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 5 में हमने देखा कि संविधान जब बना उससे पहले, जो संविधान बना उससे पहले जो नागरिकता दी गई, उस समय जो नागरिकता दी गई, तो उस समय जो जो लोग वहाँ उस समय भारत में थे उन सभी को क्या किया गया, नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए किंतु संविधान बनने के पहले, उन्हें भी नागरिकता दिया गया। स्वतंत्रता के बाद जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वह संविधान बनने से पहले भारत आ गए, तो उन्हें भी नागरिकता दिया गया। 8 में बताया गया कि विदेशी भ्रमण में, यानी विदेश हम घूमने जाए या नौकरी करने जाए, तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 9 में बताया गया कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लिए हैं तो फिर आपकी भारत की नागरिकता क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करे। अब वो न विदेश जाते हैं न कहीं जाते हैं, तब तक उनकी नागरिकता क्या करेगी, बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक वह देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर वह देश विरोधी कार्य करेंगे तो उनकी नागरिकता क्या की जाएगी, हटा ली जाएगी, छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर हम लोग 11 तक देख लिए जो नागरिकता है। अब नागरिकता हम कैसे प्राप्त करते हैं उसके विधि के बारे में जानते हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। जन्म के आधार पर, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, जैसे कि हम सभी के माता पिता क्या है, भारत के नागरिक है, तो हमें भी नागरिकता मिल गई। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। सपोज डेट कोई घूमने जाता है या कोई वहाँ नौकरी करता है, तो वहाँ जन्म जो लिए हैं बच्चे वो वहाँ के नागरिक नहीं होंगे, यहाँ के नागरिक होंगे। कैसे होंगे, यदि उनमें से माता या पिता दोनों में से किसी एक का नागरिकता क्या होगा, भारत का नागरिक हो, तभी होंगे। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया गया। अब कोई राज्य है विदेश,
वो पहले भारत में नहीं था और फिर कुछ समय के बाद क्या किया गया, उसे भारत में मिला लिया गया। तो वहाँ के नागरिक स्वतः क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे, वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उसका उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, सिक्किम का, जो भारत में विलय हुआ और बाद तो विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता हो गई। फिर बांग्लादेश के 24 परगना जिला भी है, वो भी पहले विदेश में था यानी बांग्लादेश में था, अब वो क्या हो गया, भारत में हो गया। तो वहाँ के लोगों को भी कहाँ की नागरिकता मिल गई, भारत की नागरिकता मिल गई। पंजीकरण के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में, अब देखो अब उसे तो ना जन्म से यहाँ की नागरिकता मिली है और उसे यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो उसे क्या करना होगा, उसे 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। और इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल इस विधि द्वारा क्या करता है, देशों को नागरिकता देता है। उसके बाद देशीकरण, देशीकरण में क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत में क्या कहे, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 22 भाषा राजभाषा का दर्जा है, उसमें से वह क्या करे, सिर्फ किसी एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में क्या हो, निपुण होने के साथ लगातार 10 साल तक रहा हो, तो उसे भी क्या की जाती है, भारत की नागरिकता दी जाती है। ओवरसी नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मी बल समिति द्वारा जोड़ा गया, इसे 2005 में जोड़ा गया, किसके द्वारा, लक्ष्मी बल समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। अब जैसे क्या हुआ, आजादी हुआ, उसके बाद कुछ लोग विदेश गए, वहीं पे क्या कर लिए, नागरिकता ग्रहण कर लिए। अब उन्हें क्या करना है, अपने देश में लाना, अब वो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अपने देश में उनको लाना है, तो उनको दिया गया जो नागरिकता है वो क्या कहलाता है, ओवरसी नागरिकता कहलाता है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, ऐसे 2005 में लक्ष्मी बल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया, दिया जाता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं जो, इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। इस नागरिकता को जो प्राप्त कर लिया, उन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। देश विरोध काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अब कोई देश का नागरिक है, वह देश विरोधी काम करने लगे, यानी देश के विरुद्ध काम करने लगे, जगह जगह बम ब्लास्ट या अपनी जो देश की कोई सीक्रेट जानकारी हो वो कहीं बाहर करने लगे, तो उस स्थिति में, या कोई पागल हो जाए या दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए, दूसरे राष्ट्र के क्या करे, प्रभाव में आकर उसका भला करने लगे और इधर छोड़ने लगे, तो उसमें क्या करता है, क्या कर सकता है, गृह मंत्रालय ही नागरिकता बना देने का काम करती है, तो गृह मंत्रालय ही क्या करेगी, नागरिकता को समाप्त कर देगी। वीजा, वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए, वीजा क्या होता है, वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा के दूसरे देश में हम प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।